नमस्कार बंधु, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी तरह से चल रही होगी। बंधु, अनुवाद श्रृंखला में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीखते जा रहे हैं और आगे भी एपिसोड्स में हम लोग सीखते चले जाएंगे। बंधु, अनुवाद श्रृंखला के इस तीसरे भाग में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात को शेयर कर लेना चाहता हूँ। बंधु, अनुवाद एक सतत प्रक्रिया है, इसको आपको नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आप इसे टेम कर सकते हैं, इसे इजी बना सकते हैं। अनुवाद कई तरह से आपका हो सकता है, वह शब्द अनुवाद हो सकता है, वह भाव अनुवाद हो सकता है। स्पेशली ये दो तरह के अनुवाद किए जाते हैं। भावानुवाद जो होता है उसमें हो सकता है कि आपका जो सोर्स लैंग्वेज है वह चार वाक्यों का हो, कोई अनुच्छेद हो, तो हो सकता है कि आपका जो टारगेट जो लैंग्वेज है हो सकता है कि वह छह वाक्यों का हो जाए, सात वाक्यों का हो जाए, या हो सकता है कि वह तीन वाक्यों का भी हो सकता है। तो इस तरह का जो अनुवाद आप करेंगे वह भावानुवाद होगा। और जो शाब्दिक अनुवाद होगा उसमें क्या होता है ना कि शब्द प्रति शब्द, वर्ड फॉर वर्ड को रखा जाता है, जिसमें कि आपको बस फोकस करना है कि जितने वाक्य हैं उतने ही वाक्य का आपको जो है ना रूपांतरण करना है आपका टारगेट लैंग्वेज में। ठीक है, तो हम लोग इस बात को जाने कि जो भावानुवाद होता है वह सही मायने में अनुवाद होता है। आप कोशिश यह ज़रूर करें कि जो सोर्स लैंग्वेज है उसका भाव को आपको पकड़ना है और उसके भाव को आपको अनुदित कर देना है टारगेट लैंग्वेज में। ठीक है, हम लोग आज के इस भाग में, इस तीसरे भाग में, हम लोग एसएससी जेएसटी पेपर 2 में पूछे गए अंग्रेजी अनुच्छेद का अनुवाद करेंगे। बंधु, यह जो हम लोग करेंगे वह 2020, कहने का मतलब हुआ कि पिछले साल ही पूछा गया था, कई सारे बंधु ने इसके लिए रिक्वेस्ट किया था, तो आज हम लोग पूछे गए अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो बंधु, लेट्स गेट स्टार्टेड। बंधु, स्क्रीन पर वही अनुच्छेद आप देख पा रहे हैं जो कि एसएससी जीएसटी पेपर 2 में आया हुआ था। बंधु, आगे बढ़ने से पहले, अर्थात आप जब इसका अनुवाद करें उससे पहले आपको क्या करना है, आपको झट से आपको एक काम करना है कि इसको एक बार पढ़ लेना है, एक विहंगम दृष्टि डाल लेना है। इसके बाद कुछ कुछ जो वर्ड्स आपके डिफिकल्ट नज़र आ रहे हैं उसे आपको हिंदी कर लेना है, जैसे आप पढ़ते चले जाए बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हुए। देर वॉज अ टाइम वेन वर्ल्ड ओवर एवरीबडी न्यू द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स जो देख रहे हैं, हो सकता है कि इसका हिंदी करने में आपको प्रॉब्लम आ रही हो। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक, ठीक है, प्रोटोकॉल्स मतलब होता है नियमावली। स्टैंडर्ड के लिए मानक रखिए, प्रोटोकॉल्स को प्रोटोकॉल्स ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मानक प्रोटोकॉल्स। आगे बढ़ते हैं, फॉर व्हाट अ न्यूज़ पर्सन कॉल द सेलिब्रिटी प्रोफाइल। या न्यूज़ पर्सन आप देख रहे हैं, न्यूज़ पर्सन का मतलब होता है पत्रकार, ठीक है, और सेलिब्रिटी प्रोफाइल को सेलिब्रिटी प्रोफाइल ही रहने दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि आपको जान लेने की आवश्यकता है कि सेलिब्रिटी का मतलब क्या होता है। सेलिब्रिटी का मतलब होता है फेमस पर्सन, जिसे विख्यात व्यक्ति कहते हैं, और प्रोफाइल को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्शन। ओके, विख्यात व्यक्ति का विवरण। तो इससे अच्छा है कि आप सेलिब्रिटी प्रोफाइल को ही रहने दें, यही फ्रेज़ का आप इस्तेमाल करें हिंदी अनुवाद में भी। ठीक है, आगे देखते हैं, टू राइट द प्रोफाइल ऑफ ए फेमस पर्सन। किसी भी विख्यात व्यक्ति का विवरण लिखने के लिए, विवरण के बदले में आप प्रोफाइल ही लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई कोई ऐसे शब्द होते हैं जो कि सटीक अर्थ देते हैं और काफ़ी फेमस होते हैं हम लोगों की बोलचाल की भाषा में, तो अनुवाद जो होता है उसके बारे में आपको यही बात याद रखना है कि जो काफ़ी काफ़ी पॉपुलर हो हम लोगों के बीच में, आप एक कोई भी कलिष्ट शब्द का प्रयोग ना करें कि समझने वाले को परेशानी हो। ठीक है, प्रोफाइल बहुत ही पॉपुलर टर्म है, तो प्रोफाइल को प्रोफाइल ही रहने दें। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि टू राइट द प्रोफाइल ऑफ अ फेमस पर्सन इंगेज इन द वर्क ऑफ पॉलिटिक्स कल्चर और बिजनेस, जब द जर्नलिस्ट फर्स्ट वेंट स्ट्रेट टू द सेलिब्रिटी। देखिएगा, जर्नलिस्ट है और यहाँ पर न्यूज़ पर्सन है, और यहाँ पर हम लोग न्यूज़ पर्सन के लिए पत्रकार शब्द का प्रयोग किए हैं, सही किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप बाद में देख रहे हैं कि जर्नलिस्ट प्रयोग हुआ है, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, पत्रकार होता है। ओके, और फर्स्ट वेंट स्ट्रेट टू द सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी ही रहने दीजिए। दे वर रूटीनली स्टोन वॉल्ड, ये देखिएगा सेंटेंस का पैसिव वॉइस में, ये सब भी थोड़ा याद रखना है। स्टोन वॉल का मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट करना।
टाल मटोल करना, कोई भी चीज़ से बचना, ठीक है। तो स्टोन वॉल मतलब बचना होता है। बाय द सेलिब्रिटीज़ पब्लिसिस्ट, सेलिब्रिटीज़ पब्लिसिस्ट मतलब क्या होता है कि सेलिब्रिटी के प्रचारक, ठीक है। तो ये हो गया प्रचारक। हु सेट द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, देखिएगा सेट ऑफ रूल्स किसको कहते हैं, प्रोटोकॉल्स को कहते हैं, और वही एंगेजमेंट के प्रोटोकॉल्स को सेट करता था। इन ऑलमोस्ट एवरी केस इट मेंट द जर्नलिस्ट वुड बी गिवन एक्सेस टू दिस ल्यूमिनरी। ल्यूमिनरी किसको कहते हैं, ल्यूमिनरी हम लोग कहेंगे सेलिब्रिटी को ही, ठीक है। सेलिब्रिटी के लिए ही यहाँ पर ल्यूमिनरी आया हुआ है, समझ में आया। और यहाँ पर देखिएगा एक और शब्द का प्रयोग हुआ है वुड। वुड का प्रयोग हम लोग पास्ट हैबिट में भी करते हैं, जैसे कि हम लोग फुटबॉल खेला करते थे, तब आप क्या कहेंगे, आई वुड प्ले फुटबॉल। आप ऐसा तो जानते ही, आप प्रयोग करते ही होंगे, मैं फुटबॉल खेला करता था तो आई यूज़ टू प्ले फुटबॉल। इसके बदले में आप कह सकते हैं आई वुड प्ले फुटबॉल। तो इसमें गागे की का यहाँ पर कोई नामोनिशान नहीं रहना चाहिए, यदि आप अनुवाद बना रहे हैं ना, तो आप इसमें गागेगी या फ्यूचर टेंस को इसको नहीं मानना, ये पास्ट टेंस में है, ये याद रखिएगा, ये पास्ट हैबिट को शो करता है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ओनली ऑन द कंडीशन दैट ही और शी वुड राइट समथिंग प्लीजिंग। प्लीजिंग मतलब खुश कर देने वाला, मन को भाने वाला, ओके। अबाउट देम व्हेन पब्लिश्ड दीज प्रोफाइल्स साउंडेड लाइक रन ऑन वर्जन्स ऑफ लॉन्ग ट्रांजैक्शनल क्वेश्चन एंड आंसर। रन ऑन मतलब होता है लगातार बिना रुके हुए, ठीक है। तो ये मीनिंग हो गया बिना रुके हुए वर्जन्स, ट्रांजैक्शनल्स। इसका हम लोग जब अनुवाद करेंगे ना, तो देखिएगा इस तरह की कुछ जो चीज़ें हैं जो थोड़ा समझने में दिक्कत हो, तो इसका क्या करना है, भावानुवाद करना है, ठीक है। आपको अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है कि अनुच्छेद आखिर कह क्या रहा है, ओके। आप इसके लिए दो सेंटेंसेस में इस भाव को आप प्रकट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब पढ़ रहे हैं अपने ही अनुदित पाठ को, तब आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है, तो समझिए कि अनुवाद आपका ठीक नहीं हुआ है। इस कारण से आपका जो अनुवाद होना चाहिए वह आप ही को समझ में जब आने लगे, तो समझिए कि आपका अनुवाद सही है, ओके। ये नहीं कि आप जो है ना शब्द प्रति शब्द आप अनुवाद करते चले जाएंगे तो दिक्कत होगी। दे कंटेन्ड लिटिल क्रिटिसिजम ऑफ देयर सब्जेक्ट एंड द वॉइस ऑफ द एसे वॉज दैट ऑफ द सेलिब्रिटी नॉट ऑफ द राइटर ऊजिंग अक्रॉस द पेजेस। देखिएगा पूरा भर करके, पेजेस मतलब पूरा पेज, इसका सीधा सीधी जो भाव निकल रहा है पूरा पेज। ये ऊज अक्रॉस जो है यह एक फ्रेज है, ठीक है। पूरा पेज यहाँ पर सेंस देगा, यहाँ से यहाँ तक जो अंडरलाइन पार्ट है उसका मीनिंग यही होगा। इनएविटेबली का मतलब होता है आवश्यक रूप से, ठीक है। वर अ फ्यू वेल पोज्ड पिक्चर्स, वेल पोज्ड मतलब अच्छी तरह से, अच्छी मुद्रा में, अच्छी शारीरिक मुद्रा में खिंचवाया गया पिक्चर्स, ठीक है। गुड इनफ मतलब काफ़ी अच्छा, फॉर द अपीज्ड आइडोल टू फ्रेम। अपीज्ड आइडोल मतलब मन को खुश कर देने वाला पिक्चर या इमेज को हम लोग आइडोल कहते हैं। टू फ्रेम द पेजेस इन ग्लास, टीक, टीक कहते हैं हम लोग एक विशेष तरह का लकड़ी होता है जो काफ़ी मजबूत होता है। रोजवुड कहते हैं हम लोग शीशम की लकड़ी को। एंड टैक देम नेक्स्ट टू हिज, टैक मतलब लटका देना होता है, देम नेक्स्ट टू हिज सर्टिफिकेट्स ऑन द ऑफिस वॉल्स, ठीक है। यहाँ आपने हर डिफिकल्ट वर्ड्स का हिंदी अर्थ जान लिया है। अब क्या होगा कि अगला जो फेज हम लोगों का होगा वह अनुवाद का होगा, तब क्या होगा अनुवाद करना हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अब अनुवाद एक एक करके करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, देयर वॉज अ टाइम वेन वर्ल्ड ओवर एवरीबडी न्यू दिस स्टैंडर्ड्स। देखिएगा अनुवाद करने के लिए मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आपको करना है, खोजना क्या है, वर्ब को खोजना है, कॉल्ड पुकारा कहा, ठीक है। कहा कौन, कौन एवरीबडी, एवरीबडी न्यू द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स फॉर व्हाट अ पर्सन। यहाँ पर कॉल्ड का ये जो है ना सब्जेक्ट कौन निकला, फॉर व्हाट अ न्यूज़ पर्सन, कौन कहा न्यूज़ पर्सन मतलब जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार कहा करते थे, क्या कहा करते थे, सेलिब्रिटी प्रोफाइल कहा करते थे, ठीक है।
ये इधर का निकल गया। अब इधर इस क्लॉज का, क्लॉज देखिएगा, क्लॉज के बारे में आपको जानकारी रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप पहले जो श्रृंखला जो थी फ्रेजेस और क्लॉजेस पर आधारित, आप ज़रूर उसे कर ले, अच्छी तरह से समझ ले, कहीं पर भी परेशानी हो तो ज़रूर पूछ ले। देयर वॉज अ टाइम, एक समय था जब पूरे विश्व में प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता था। किस बात को जानता था? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को जानता था, है ना, मानक प्रोटोकॉल्स को जानता था, जिसे पत्रकार सेलिब्रिटी प्रोफाइल कहा करते थे। ठीक है, तो कितना आसान हो गया इसका अनुवाद करने में। फिर इधर का भी देख लेते हैं, टू राइट द प्रोफाइल ऑफ ए फेमस पर्सन एंगेज्ड इन द वर्क ऑफ पॉलिटिक्स कल्चर और बिजनेस द जर्नलिस्ट फर्स्ट वेंट स्ट्रेट टू द सेलिब्रिटी। यहाँ पर देखिएगा वर्ब कौन है, फाइनाइट वर्ब है, वेंट इज वेंट, गया, कौन गया, कौन गया। आप यहाँ पर देखेंगे टू राइट द प्रोफाइल ऑफ ए फेमस पर्सन एंगेज्ड इन द वर्क ऑफ पॉलिटिक्स कल्चर और बिजनेस द जर्नलिस्ट, आपका जो सब्जेक्ट है द जर्नलिस्ट, ओके। तो पत्रकार जाते थे, सीधे जाते थे, स्ट्रेट टू द, कहाँ जाते थे, सेलिब्रिटी के पास जाते थे, पत्रकार सीधे सेलिब्रिटी के पास जाते थे। किस लिए जाते थे, तो देखिएगा क्यों जाते थे, ये हमारा एडवर्ब फ्रेज है। किस लिए जाते थे, टू राइट द प्रोफाइल ऑफ ए फेमस पर्सन एंगेज्ड इन द वर्क ऑफ पॉलिटिक्स कल्चर और बिजनेस। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, क्या, किसको, कौन, इससे प्रश्न करते हुए आपको सेंटेंसेस का अनुवाद करते चले जाना है। जैसे कि आपने वर्ब को खोजा, ठीक है, इससे कौन से प्रश्न करिए, तो कौन से आपका सब्जेक्ट निकल करके आ गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब बन गया। अब क्या या किसको से प्रश्न करिए, तो ऑब्जेक्ट निकल गया, और जितने भी अन्य जो शब्द है वे सारे के सारे आप अंत में रखें, और जो अदर वर्ड्स में जो आ जाते हैं उसे आप शुरू में भी रख सकते हैं। ठीक है, हालांकि आपको देखना भी है कि कितना सटीक, कितना एप्रोप्रिएट वह हो पाता है अनुवाद। अब बंधु लेकर के चलते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने अनुवाद किया, समझा, जो एग्जैक्ट जो अनुवाद हम लोगों जाने हैं वो क्या है, देखिएगा। एक समय था जब दुनिया भर में हर कोई उस मानक प्रोटोकॉल नियमों की प्रक्रिया को जानता था जिसे पत्रकार सेलिब्रिटी प्रोफाइल कहते थे। ठीक है, यही तो हम लोगों ने बनाया था। दूसरा देखिएगा कि यहाँ पर आपका जो देख रहे हैं, राजनीति, संस्कृति या व्यवसाय के काम में लगे किसी सेलिब्रिटी की प्रोफाइल लिखने के लिए पत्रकार सबसे पहले सीधे सेलिब्रिटी के पास पहुँचता था। ठीक है, आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखिए, पत्रकार सबसे पहले सीधे सेलिब्रिटी के पास पहुंचता था, राजनीति, संस्कृति या व्यवसाय के काम में लगे किसी सेलिब्रिटी की प्रोफाइल को लिखने के लिए। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अलग हो जा रहा है बाद वाला में, लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा सधा हुआ है, इस कारण से इसका आप इस तरह से अनुवाद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी आप अनुवाद कर रहे हैं आपको ध्यान में रखना है कि आपने जो अनुवाद किया उसको थोड़ा सा सीधा तरीके से, जो ग्राह्य हो उस बात पर फोकस करते हुए आप अनुवाद करते चले जाइए, बहुत ही बेहतरीन आपका अनुवाद होगा। ठीक है, हम लोग अगला जो अनुच्छेद है उसे हम लोग लेकर के चलते हैं। यहाँ पर भी हम लोग कुछ वैसा ही करेंगे। दे वर रूटीनली स्टोन वॉल्ड बाय द सेलिब्रिटीज पब्लिसिस्ट। देखिएगा ये जो पार्ट है वह क्या है, पैसिव वॉइस में है ना, ये पब्लिसिस्ट के लिए हु सेट द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। इन ऑलमोस्ट एवरी केस इट मेंट द जर्नलिस्ट वुड बी गिवन एक्सेस टू दिस ल्यूमिनरी ओनली ऑन द कंडीशन दैट ही और शी वुड राइट समथिंग प्लीजिंग अबाउट देम। देखिएगा सेंटेंस जो है सो थोड़ा सा बड़ा है, फिर भी हम लोग कैसे करके इसको करेंगे ट्रांसलेशन। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या कहा था, पहले वर्ब को चुनना है, यहाँ पर स्टोन वॉल्ड आया हुआ है, रूटीनली स्टोन वॉल्ड, ये पैसिव वॉइस में आपका बी प्लस वी थ्री फॉर्म यहाँ से यहाँ तक आता है, ये आपका एजेंट है सेलिब्रिटीज पब्लिसिस्ट। ठीक है, तो उन लोगों को, मतलब सेलिब्रिटीज़ को, उन लोगों को क्या है कि स्टोन वॉल्ड किया जाता था, मतलब बचाया जाता था। हाँ, किसके द्वारा बचाया जाता था, सेलिब्रिटी के प्रचारकों द्वारा बचाया जाता था। और ये प्रचारक कौन थे, प्रचारक थे हु सेट द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, और वह और जो पब्लिसिस्ट जो थे, जो प्रचारक जो होते थे, उनके द्वारा कब उनको मिलना है, कब किससे क्या बात करना है, वही इस तरह के रूल्स को बताता था। ठीक है,
इस तरह से आप एक एक करके जो है ना, सो आप एक बार समझ लिए तो फिर उसको अपनी भाषा में आप अनुवाद कर सकते हैं। ये नहीं कि आप वर्ड फॉर वर्ड आप अनुवाद करते चले जाएंगे, तब उसमें खुद को भी समझने में दिक्कत होगी और एग्जामिनर को भी समझने में दिक्कत होगी। इट मीन्ट इसका अर्थ यह हुआ कि जर्नलिस्ट वुड बी गिवन एक्सेस टू दिस ल्यूमिनरी, कि इस तरह के जो सेलिब्रिटी है उसको जगह, उसको जो है उससे बातचीत तभी करवाया जाता था जब जो उनसे मिलने वाले जो पत्रकार होते थे उनके बारे में उनके अनुसार, मतलब मन को खुश कर देने वाले आर्टिकल या सब्जेक्ट लिखते थे तब। ठीक है, तो ये आप एक बार आप समझ लिए, भाव पकड़ लिए, अब भाव लेकर के उसके बाद फिर आपको अनुवाद कर लेना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या अनुवाद हुआ। देखिए अनुवाद क्या हुआ, उनके प्रचारक जो प्रत्येक केस के लिए पूर्व निर्धारित नियम तय किए रहते थे, सेलिब्रिटी से नियमित रूप से पूछे गए सवालों का जवाब देने में टाल मटोल करते थे। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए। आप हो सकता है कि आप थोड़ा सा डिफरेंट बनाए हो, लेकिन भाव आपका एकदम सही रहना चाहिए। इसका अर्थ यही हुआ कि पत्रकारों को ऐसे सेलिब्रिटी के पास आने की इजाज़त इसी शर्त पर दी जाती थी जब वे उनके बारे में अच्छा लिखें। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा हमने दो सेंटेंसेस में तोड़ा है। यहाँ पर सेंटेंस आपका एक ही है, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ही सेंटेंस है, लेकिन हमने अनुवाद करने के क्रम में हमने इसको दो सेंटेंसेस में तोड़ा ताकि अच्छी तरह से ग्राह्य हो सके और काफ़ी इजी फील हो सके। ठीक है, तो इसका भी हम लोगों ने अनुवाद कर लिया। आप देखिएगा अगला अनुवाद क्या है। अगला है, हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, व्हेन पब्लिश्ड दिस प्रोफाइल्स साउंडेड लाइक रन ऑन वर्जन्स ऑफ लॉन्ग ट्रांजैक्शनल क्वेश्चन एंड आंसर्स। देखिए एक बार पब्लिश हो जाने पर ऐसे प्रोफाइल्स, ठीक है, ऐसे प्रोफाइल्स को यहाँ पर विवरणन कह देंगे तो कितना ख़राब लगेगा। ठीक है, तो दिस प्रोफाइल्स मतलब ऐसे प्रोफाइल्स साउंडेड लाइक रन ऑन वर्जन्स मतलब लगातार चलने वाले सेशंस, वर्जन्स पर क्वेश्चन और आंसर की प्रश्नोत्तरी में रहते थे। दे कंटेंड लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ देयर सब्जेक्ट, और उनके जो सुनने वाले श्रोतागण है वे, और इस तरह से उनके तरफ से बहुत ही कम आलोचना आती थी, और द वॉइस ऑफ द एसे वॉज दैट ऑफ द सेलिब्रिटी, और उनके जो विषय पर जो आवाज़ रहती थी वो सेलिब्रिटी की आवाज़ रहती थी, वो कोई राइटर की आवाज़ नहीं रहते थे, वो कोई पत्रकार की आवाज़ नहीं रहती थी। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो है सो ट्रांसलेशन क्या बना। लेख प्रकाशित हो जाने पर ये सेलिब्रिटी प्रश्नोत्तरी की झड़ी में रहते थे। ठीक है, इस तरह से उन्हें कम ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था, और तब लेख से ज़्यादा उस सेलिब्रिटी के कथन को उनका उत्तर या आवाज़ समझ लिया जाता था। ठीक है, तो इसका इस तरह से अनुवाद बना। हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है, ओजिंग अक्रॉस द पेजेस मतलब पूरा भर करके पेज, इनएविटेबली आवश्यक रूप से, ये जोरदार बनाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। आप इसे हटा भी सकते हैं, इसका आप अनुवाद नहीं भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इम्फेटिक वर्ड है यहाँ पर। वर अ फ्यू वेल पोज्ड पिक्चर्स, वेल पोज्ड मतलब अच्छी तरह से मुद्राओं में खिंचाए गए तस्वीर, गुड इनफ अच्छी तरह से, ठीक है, फॉर द पीज आइडल टू फ्रेम द पेजेस इन ग्लास टीक एंड रोज वुड एंड टैग देम नेक्स्ट टू हिज सर्टिफिकेट्स ऑन द ऑफिस वॉल्स। देखते हैं इसका क्या ट्रांसलेशन बना। पूरे पन्ने में कुछ प्रसन्नचित मुद्राओं को सागवान, यहाँ टिक को हम सागवान का नाम दिया गया है, मुद्राओं को सागवान, शीशम की लकड़ी से और शीशे से दीवालों पर अपने प्रमाण पत्रों से सटाकर मढ़ दिया जाता था। ठीक है, तो बंधु आपने देखा कि किस तरह से दिए गए अनुच्छेद का अनुवाद किया गया। आशा करते हैं कि उसमें जितने भी तरह के जो भी कॉम्प्लिकेशंस आए हुए थे सारे आपको समझ में आया होगा। आप क्या करें कि यदि नहीं समझ में कोई चीज़ आया हो तो वीडियो को पॉज करके आप फिर से उसे समझने का प्रयास करेंगे, आप उसे फिर से बनाएंगे, और उसके बाद आप जो अनुवाद करेंगे वह अनुदित पाठ को जो हमने बनाया है उससे आप मेल करवाएंगे। हो सकता है कि आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही बात को पर आपको फोकस करना है कि आपका जो अनुच्छेद है वह ग्रामेटिकली कितना साउंड है
और साथ ही साथ वह सही तरह का भाव दे रहा है कि नहीं। यदि ऐसा है तब आपका भी अनुदित पाठ सही है, ठीक है। तो बंधु मिलते हैं हम लोग अगले भाग में, जहाँ पर हम लोग किसी दूसरे तरह का अनुवाद अनुच्छेद लेंगे और उसका हम लोग सटीक तरीके से अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।